बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मंसूर अहमद ख़ान PP 271 मुजफ़्फ़रगढ़ 4 से सूबाई असम्बली का रुकन मुंतखब हुआ हूँ। अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र है, अल्लाह के फजल से और पब्लिक और आवाम की मेहरबानी से, अपने दोस्तों की मेहरबानी से यहाँ बड़ी कसीर तादाद में उन्होंने इस गर्मी में आके 25 जुलाई को इलेक्शन की पोलिंग में उन्होंने हिस्सा लिया और उसमें बड़ी भारी तादाद से मुझे बड़ी लीड के साथ उन्होंने मुंतखब कराया। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, हलके के तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, पब्लिक आवाम का शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर में और अपने विजन में जो कहा है, हमारे लीडर इमरान खान ने जो वादे किए थे, जो मंशूर में कहा था, इंशाल्लाह अब वो टाइम आया है कि पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए और उनकी तरजीहात के लिए जिस तरह उन्होंने फरमाया, इंशाल्लाह आगे चल के पार्लियामेंट के अंदर भी और हकूमत के अंदर भी वहाँ अपने उस लाए अमल को हम पाए तकमील तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत से मसाइल हैं जी। सबसे पहले तो अमन अमान का मसला है, लाकानूनीत का दौर दौरा है और उसमें दहशतगर्दी का इजाफा है। यहाँ अमन को बहाल कराना है, पेशावर से ले कर और कराची तक ये एक मामला जो है उसे सेट कराना है, जो पिछले कुछ अरसे से मामलात की खराबी और उसी की वजह से हमारे तमाम शोबे जो है वो और तमाम अदारे भी मफलूज हो चुके हैं। तो पहले तो अमन अमान का मसला है और फिर हमारी प्रायोरिटीज़ जो है वो तालीम की तरफ है, सेहत की तरफ है, ज़रात की तरफ है, आपाशी की तरफ है और फिर इसी तरह ख़ास तौर पर मईशत को बेहतर करने के लिए, क्योंकि हमारी मईशत कमज़ोर हो चुकी है और जिस मुल्क की मईशत कमज़ोर हो जाए तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, रियासत तहलील होने के खदशात होते हैं। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम अपनी उन प्रायोरिटीज़ पर चलते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अमल करें और पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बनाने और पब्लिक और आवाम को खुशहाल करने के लिए, उन्हें बेहतर रोज़गार के लिए और उनके उनके बेहतर मेयारे ज़िंदगी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम अमल कराएंगे। देखें जी, जिस वक्त एक भारी ज़िम्मेदारी आयद हो जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कंधों पर एक भारी ज़िम्मेदारी डाली हुई है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसमें सुरखरू हों। नुमाइंदगी तो पब्लिक और आवाम की भी कर रहे हैं, अपने ज़िले की भी कर रहे हैं, अपने जमात की भी कर रहे हैं, अपने हलके की भी कर रहे हैं, तो नुमाइंदगी इंशाल्लाह जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के मुताबिक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसमें फलाह व बहबूद और तामीर व तरक्की जो है उसमें जितना हिस्सा डाल सकते हैं हम वो डालेंगे इंशाल्लाह।